नमस्कार, कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ प्रॉन करी विथ मस्टर्ड सॉस। दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस होती है और हम इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है और इस रेसिपी को बनाने का सबका अपना अपना अलग तरीका है। तो आज मैं आप सबके साथ अपना तरीका शेयर करूँगी। प्रॉन करी विथ मस्टर्ड सॉस बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम्स प्रॉन ले लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, दो प्याज मैंने बारीक काट लिया है, पिंच ऑफ शुगर, 1 टीस्पून खसखस लिया है मैंने, 2 हरी मिर्ची ली है और 2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं खसखस, हरी मिर्ची और मस्टर्ड सीड्स का एक थिक पेस्ट बना लूँगी मिक्सी में पीस के। ये देखिए, मस्टर्ड पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब मैं प्रॉन्स में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डालूँगी, करीबन हाफ हाफ टी स्पून, और मिक्स कर लूँगी अच्छे से प्रॉन्स के साथ हल्दी और नमक को। और 10 मिनट इसको मैं साइड में रख लूँगी। दोस्तों, 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं प्रॉन्स को मस्टर्ड ऑयल में शैलो फ्राई कर लूँगी करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। मैंने ये मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया है। तीन मिनट हो चुके हैं और प्रॉन्स अच्छे से शैलो फ्राई हो गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में ले लूँगी। अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूँगी और प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज अच्छे से भुन चुका है, अब मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी, थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी इसको मैं। अब इसमें मैं ये मस्टर्ड सॉस डाल दूंगी। और मस्टर्ड सॉस को मैं 3 से 4 मिनट लो फ्लेम में फ्राई कर दूंगी जब तक कि ये अच्छे से तेल छोड़ ले। 4 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से, साथ में ये प्रॉन्स डाल दूंगी। थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी सब कुछ एक साथ। मैं इसमें पानी डालूंगी। दोस्तों, पानी आप ग्रेवी की थिकनेस के हिसाब से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। साथ में मैं डाल दूंगी पिंच ऑफ शुगर। सभी चीज़ मिक्स कर लूंगी अच्छे से। अब मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी और करीबन 10 मिनट लो फ्लेम में प्रॉन्स को पकने दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार मैं ये ढक्कन खोल के ग्रेवी चेक कर लूँगी। दोस्तों, ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनी है, प्रॉन्स भी अच्छे से पक चुके हैं ग्रेवी में, और जो मैंने मस्टर्ड सॉस यूज़ किया था और मस्टर्ड ऑयल जो यूज़ किया था पकाने के लिए, उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। हम जब भी खाना मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं, स्पेशली नॉनवेज जब हम मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं दोस्तों, तो उसका स्वाद और भी दुगना हो जाता है। और ये ग्रेवी बनके बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको एक सर्विंग बाउल में ले लूँगी। दोस्तों, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप मेरे तरफ से मेरे वीडियोस में, तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।